सबसे अनूठी भव्य होली अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राजरानी का ये जन्म स्थान है, पुराना बरसाना जिसको बोलते हैं। और भाभी के साथ खेल लियो हो रही क्या, धूल उड़ रही है, क्या मजा आ रहा है राजरानी के मंत्र को देखते देखते। राधे राधे, हैप्पी होली, हैप्पी होली। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर ब्रज की संपूर्ण होली यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों बरसाना और नंदगांव की लठामार होली, भव्य लठामार होली दिखाने के बाद अब हम राधा रानी के जन्म स्थली रावल गांव आ गए हैं। दोस्तों जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और लालन पालन नंदगांव में हुआ था, उसी प्रकार राधा रानी का जन्म भी रावल गांव में हुआ था दोस्तों। और यहां पर भी बड़ी भव्य लठामार होली, छड़ीमार होली मनाई जाती है, क्योंकि राधा रानी कान्हा से कम थोड़ी ना है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भव्य लठामार होली, भव्य होली की शुरुआत हो चुकी है। और आज हम पहली बार राधा रानी के जन्म स्थली रावल गांव से आपको लठामार होली दिखाने वाले हैं। भव्य लठामार होली आप पहली बार देखेंगे दोस्तों। लठामार होली मनाई जाती है, भव्य होली मनाई जाती है दोस्तों। हमारे देश के लोग बरसाना और नंदगांव के लठामार होली के बारे में जानते हैं, लेकिन रावल के लठामार होली के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअल में ये शुरू से ही चली आ रही है, कोई नई प्रथा नहीं है। और राधा रानी का ये जन्म स्थान है, पुराना बरसाना जिसको बोलते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं राधा जन्म स्थली रावल गांव में लठामार होली का भव्य दृश्य। यहाँ पर गोकुल के हुरियारे आए हैं और यहाँ पर रावल के हुरियारे लठ बरसा रही है, नृत्य हो रहा है, बहुत ही भव्य यहाँ का दृश्य है दोस्तों। और होना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि राधा रानी का जन्म स्थान जो है। जो बचना चाहता है उस पर और लठ का प्रहार होता है दोस्तों। यहाँ पर है, लग रहा है कि राधा रानी का प्रेम सब पर बरस रहा है, राधा रानी का प्रेम उमड़ रहा है। और उसी प्रेम की अनुभूति कराने के लिए हम ब्रज में पहुंचे हैं दोस्तों। सच्चे प्रेम की अनुभूति, पवित्र प्रेम की अनुभूति। लोगों को डंडा नहीं मिला तो पेड़ की डाली ही तोड़ कर लाए हैं यहाँ पर लठामार होली खेलने के लिए दोस्तों। ये रस या मन
सबसे अद्भुत सबसे अनूठी भव्य होली अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ रावल गांव में। वासना है सभी प्रेम में मतवाले होकर के नाच रहे हैं। यहाँ पर आए लोगों से हम बात करेंगे कि वो आज पहली बार ये लट मार होली यहाँ हम देखने आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। मन ऐसा कर रहा है कि हर बार हर होली में यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा श्री कृष्ण भगवान से हम कामना करते हैं। हम मथुरा से ही आए, मथुरा कोसी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है राधा रानी के क्या दर्शन हो रहे हैं, क्या ब्रज भूमि में क्या क्या धूल उड़ रही है, क्या मजा आ रहा है राधा रानी के मंत्र को देखते देखते। क्या
मेरा नाम गिरधर गोपाल शर्मा है, गोवर्धन गिरिराज जी से हम लोग आए हैं। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ राधा रानी के प्राकट स्थल रावल गांव में। इसी तरह होली गायन, समाज गायन, रसिया गायन जो होता है पारंपरिक तरीके से, वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि नई जनरेशन इस चीज़ को जाने कि पारंपरिक होली गायन क्या होता है। वही हम लोग यहाँ पर गाने आते हैं राधा रानी के प्राकट स्थल पर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर बरसाना और नंदगांव में लठमार होली होती है, वो भी परंपरा है, लेकिन ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई? ये परंपरा भी राधा रानी के समय, भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है। ये राधा रानी का प्राकट स्थल है रावल गांव, यहाँ प्राकट हुआ था राधा रानी का। और ये बहुत ही एक हमारे ब्रज की धरोहर है, पारंपरिक ये हमारे ब्रज की एक शैली है जो होली है। 40 दिन तक पूरे ब्रज मंडल में होली का त्यौहार मनाया जाता है। जगह जगह जो ब्रज के जो पारंपरिक तीर्थ स्थान है, बठेन है, दाऊ जी का होरंगा है, बरसाना है, नंदगांव है, गिरिराज जी गोवर्धन है, ये तीर्थ स्थान है। इन सभी तीर्थ स्थानों पर गोकुल में तो एक एक दिन करके 40 दिन तक ये पूरे ब्रज के जो तीर्थ स्थान है, जो प्रमुख तीर्थ स्थान है, उन पर ये होली का आयोजन होता आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही होता हुआ आ रहा है। लेकिन ये जो होली है राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है, लेकिन वो आज हमारे देश में गायब नजर आता है, होली एक हुड़दंग बन के रह गया है। देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अगर आप बरसाने गए होंगे या फिर आप नंदगांव जाओगे, तो वही पारंपरिक शैली आज भी जीवित है। जी जी, आज भी जीवित है। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पावन अवसर पर देश के लोगों को? मैं देश के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये होली का त्यौहार प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्यौहार है। हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं और यही निवेदन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इसको हृदंग के तौर पर डालें, प्रेम भाईचारा से, संगीत से, सुकून से इसको मनाएं और आनंदित होकर अपने परिवार को इस होली का परिचय दें, क्योंकि ये जो होली है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, जो आज भी हम लोगों के पूरे विश्व के हृदय में, सभी लोगों के, भगवान के भक्तों के हृदय में मौजूद है ये ब्रज की पारंपरिक होली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली सर।